कोई बता रहे थे मियाँ के बारे में जी। हाँ, मैं ये कह रहा था जी, 3 दिन का फातिहा का मतलब है। अच्छा, 3 दिन का फातिहा होता है हर जगह? हर जगह हाँ, 3 दिन का उर्स होता है जी। हाँ, तो उसका मतलब है जी। और हम लोग कोशिश भी करते हैं हाँ पहुँचने की जी। हाँ, कोई बहुत इमरजेंसी काम हो तो अलग बात है। अलग बात है। तो मियाँ ने हमारे हजरत बनारसी में हुजूर क़िबला सरकार ने भी फरमाया कि 3 दिन का मकसद है और तीसरे जिस दिन मिलाद शरीफ होती उसी दिन आना चाहिए। उसी दिन आना चाहिए, सही बात जी। तो एक बार भाषोली शरीफ में हजरत पीर मुर्शिद ख्वाजा कबीर औलिया सरकार जी गरीब नवाज की 6 तारीख मनाते हर साल, तो पहुँच गए थे भाषोली शरीफ में। भाषोली शरीफ में जी। तो कल हमारे काले चचा एक दिन लेट पहुँचे। अच्छा। तो मैं हजरत के पास था। अच्छा। तो हजरत ने फरमाया बनारसी में सरकार ने जी जी क्या फरमाया काले चचा से? हाँ। तो काले भाई एक दिन लेट क्यों आए? अच्छा। कैसा आप लेट हो गए? ऐसे ही हो लेट जी। फिर मैंने फिर कहा, तब वो फिर बोले नहीं, क्या बोलते जवाब नहीं था। हाँ। तो मैंने फरमाया जी, जैसे जुमे के रोज पहली सफ में जाने का सवाब है, तो जो बाद वाले में नहीं है, बाद वाले में नहीं है हाँ। और उससे बाद में जो जाएगा तो उससे कम पीछे है, वाले में नहीं है, ऐसे कम हो, दर्जा बाद दर्जा कम हो जाएगा, कम होता जाएगा जी। लिहाजा इसलिए इस दिन प्रोग्राम शुरू हो अब्बल टाइम देना चाहिए, अब्बल में ही आना बेहतर होता है। हाँ। तो ऐसे तो सब कुल के टाइम पहुँचे सब खास, कुल तो करना है, कुल तो करना है, सब कुछ कुल में ही तो कुल सब आगे क्यों जाती है बराबर? सही बात है, खर्च कर रहा है। और हमने जब सुना तो हम ध्यान होशियार हो गए, होशियार।